morning. A very good morning to all of you. How are you all? Good. 2 days ki holiday manali, Saturday and Sunday. Yes, very good. So let's start with the prayer. आज हम इंग्लिश में करेंगे प्रेयर, ठीक है? वो वाली लास्ट मंथ जो अपनी प्रेयर चली थी वो तो सीखनी ही है आपको, अब से ये वाली भी सीखनी है. ओके, समझ में आ गया सबको? पहले अपन गायत्री मंत्र करेंगे, उसके बाद इंग्लिश वाली करेंगे प्रेयर, ठीक है? जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओ गॉड हेल्प अस टू बी गुड टू डू टू अदर्स एज वी शुड नॉट टू हेट बट टू लव सेंड अस पीस फ्रॉम अबव ओ थैंक यू गॉड फॉर द वर्ड सो स्वीट Thank you God for the food we eat. Oh, thank you God for the word so sweet. Oh, thank you God for everything, for everything. Open your eyes. Once again, a very good morning to all of you. ये वाली लाइन भी आपको प्रेयर सीखनी है और पहले जो करवाई थी वो भी सीखनी है. अब से ये पूरा मंथ अपन ये इंग्लिश वाली प्रेयर करेंगे, ठीक है? ओके, तो हम अब स्टार्ट करें हमारा स्टडी. क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? मैथ्स. क्या करने वाले हैं? मैथ्स. सी, मैथ्स में ये वाली बुक है आपके पास, राइट? इस वाली बुक के पेज नंबर 28 पे है राइट नंबर्स इन द ऑर्डर. मतलब देखो, पहला नंबर दिया हुआ है आपको, उसके आगे तक का लिखना है. समझ में आ गया सबको? मैम करवा रही है आपको बोर्ड पे, पर जो नंबर दिया हुआ है उसके आगे से लिखना है हमको. सी मैम बताती है कौन कौन से नंबर लिखे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है? सबसे पहले वाले में 1 लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 6. ये हैं आपके फर्स्ट बॉक्स में गिवन नंबर्स, मतलब जो ऑलरेडी इसमें दिए हुए हैं. और यहाँ पे लास्ट में 8 भी दिया हुआ है, राइट? इतने नंबर ऑलरेडी आपके बुक में दिए हुए हैं. सी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे लास्ट में 8 नंबर ये आपके बुक में दिया हुआ है. अब अपन को क्या करना है, यहाँ से आगे तक के नंबर हमको लिख के कंप्लीट करने हैं. तो आप बताओ 1 के बाद क्या आता है? 2. वेरी गुड. 2 के बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, देन 6, देन 7 और 8 ऑलरेडी आपके बुक के अंदर दिया हुआ है. तो हमको क्या करना था, 1 से लगा के 8 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो हमको इस बॉक्स में लिखने हैं. ओके, तो कौन कौन से आए 1 से लगा के 8 के बीच में? 2 3 4 5 6 7, राइट? ये नंबर आए ना, जब हम काउंटिंग करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं. तो 1 और 8 तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है बुक में, तो आपको क्या करना है, ये पूरी रॉ को कंप्लीट करना है. 2 3 4 5 6 7 ये लिख के आपको ये पूरी रॉ कंप्लीट करनी है. तो वो हमने कंप्लीट कर दी. अब नीचे वाले बॉक्स में क्या पूछा है, 2 से स्टार्ट करना है हमको. 2 से लगा के जहाँ तक के बॉक्स दिए हुए हैं वहां तक हमको लिखना है. 2 के बाद क्या आता है? 3. 3 के बाद 4. 4 के बाद 5. 5 के बाद 6. 6 के बाद 7. 7 के बाद 8. 8 के बाद 9. क्यों हमने ऐसा लिखा? क्योंकि हमको 9 तक के बॉक्स दिए हुए हैं, हमको 9 के आगे नहीं जाना है क्योंकि हमको इतने ही बॉक्स दिए हैं. तो आपको जितने बॉक्स दे रखे हैं उतने तक के लिखना है. ओके, देखो 1 की रो पूरी कंप्लीट कर ली हमने, 1 2 8, 2 2 9, अब 3 से शुरू हो रहा है. ओके, तो 3 के बाद क्या आता है? 4. 4 के बाद 5. 5 के बाद 6. 6 के बाद 7. 7 के बाद 8. 8 के बाद 9.
नाइन के बाद टेन। क्यों यहाँ पे टेन आया? यहाँ पे टेन क्यों आया? क्यों? क्योंकि ये रॉ टू से शुरू हो रही थी और ये थ्री से शुरू हो रहा है, इसीलिए टेन तक का नंबर्स इसमें आ गए। जितने बॉक्स दिए हुए हैं आपको उतने ही बॉक्स में लिखना है। तो हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब क्या दे रखा है फर्स्ट बॉक्स में? 4। अपन को 4 के आगे के नंबर लिखने हैं। तो 4 के बाद क्या आता है? 5। 5 के बाद 6। 6 के बाद 7। 7 के बाद 8। 8 के बाद 9। 9 के बाद 10। यस, राइट और रॉन्ग? यस राइट। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इंशाल्लाह आपको 1 से लगा के 10 के बीच के ही नंबर सारे इन बॉक्सेस में आएंगे। ओके, अब क्या दिया हुआ है? 5 दे रखा है। 5 के बाद क्या आता है? 6। 6 के बाद 7। 7 के बाद 8। 8 के बाद 9। 9 के बाद 10। देखा, बोला था ना मैंने 1 से लगा के 10 तक के बीच के ही नंबर लिखते हैं, 10 के आगे नहीं जाएगा। ओके, फिर क्या दे रखा है? 6। तो 6 के बाद 7। 7 के बाद 8। 8 के बाद 9। 9 के बाद 10। Yes, we have finished. Right or wrong? देखो, same pattern मैम ने आपके लिए board पे draw किया है। Write the number in order. मतलब क्या है कि 1 से लगा के 6 तक के लिए पूरे boxes आपको दे रखे हैं। आपको क्या करना है? इसके आगे वाला number लिखना है। Suppose 1 दिया है तो इसके आगे 2 आएगा। 2 दिया है तो 3 आएगा। 3 दिया है तो 4 से शुरू करना है। 4 दिया है तो 5 से start करना है। 5 दिया है तो 6 से start करना है। 6 दिया है तो 7 से स्टार्ट करना है। आया समझ में? क्या करना है आपको? देखो, यहाँ पे बॉक्सेस में पहला नंबर आपको दिया हुआ है, उसके अंदर आगे के नंबर आपको खुद से लिखना है। तो वो तो आपको आता ही है, 1 to 10 काउंटिंग करके बस लिखते जाना है। 1 दिया हुआ है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 दे रखा है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 3 दे रखा है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5 दिया है, 6, 7, 8, 9, 10। 6 दिया है, 7, 8, 9, 10। समझ में आया? जो नंबर आपको ऑलरेडी बॉक्स में दिए हुए हैं आपको उसके आगे का नंबर लिखना है। आगे जाना है, पीछे नहीं जाना है, आगे जाना है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ऐसा। तो 1 दिया है तो 2 से स्टार्ट करो, 2 दिया है तो 3 से स्टार्ट करो, 3 दिया है तो 4 से, 4 दिया है तो 5 से, 5 दिया है तो 6 से, 6 दिया है तो 7 से, ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया? मैम ने पूरा बता दिया है आपको बोर्ड पे ड्रॉ करके, जैसा आपकी बुक में पैटर्न बना हुआ है, एज इट इज मैम ने यहाँ ड्रॉ किया है वैसा का वैसा यहाँ बनाया है। आपको क्या करना है? अब 28 नंबर का जो पेज नंबर है वर्कबुक में, उसका ये वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट करना है वर्कबुक में, प्लस यही चीज आपको नोटबुक में भी लिखनी है। आपकी मैथ्स की जो नोटबुक है उसमें भी ऐसा सेम पैटर्न बना के, आपके तो बॉक्स बने हुए हैं, आपको सिर्फ ये लिखना है। ओके, एज इट इज आपको अपनी मैथ्स की नोटबुक बॉक्स वाली जो है उसमें भी लिखना है, और इसमें तो कंप्लीट करना ही है वर्कबुक में। तो वर्कबुक में आप देख के भी कर सकते हो, मैम ने बताया है, वो देख के यहाँ लिख लो। वीडियो जब आप देखने बैठते हो तब जिस सब्जेक्ट का वीडियो आप देखने बैठते हो उस सब्जेक्ट की वर्कबुक और नोटबुक साथ में लेके बैठा करो, ताकि वर्कबुक में तो आप तभी के तभी फिनिश कर दो जब आप देख रहे हो, राइट? देखते जाओ लिखते जाओ, देखते जाओ लिखते जाओ, ऐसा करो तो उससे क्या होगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा टाइम पे, ऑन टाइम आपका सारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको? तो ये आपको तभी के तभी वर्कबुक में तो फिनिश कर देना है, एज वेल एज ये नोटबुक में भी आपको करना है। ओके, आराम से शांति से काउंट करना। ठीक है, ये दे रखा है पहला नंबर दे रखा है पूरे बॉक्सेस में, फर्स्ट नंबर दे रखा है, आपको उसके आगे के नंबर लिखने हैं, और जहाँ तक बॉक्स दिया है वहीं तक लिखना है, इसके आगे बॉक्स है ही नहीं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ओके, देन बाय ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फिर कुछ नया सीखेंगे हम। ठीक है, बाय।